press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. अब आप हमें अनअकैडमी में फॉलो कर सकते हैं। उसके लिए आपको करना है कि गूगल प्ले स्टोर जाना, वहाँ से सर्च करना है अनअकैडमिक लर्निंग ऐप और हमारा नाम जो कि अंकुर अवस्थी, उसे सर्च करना है और फॉलो करना है। हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे फिर से इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है स्टडी आइडिया। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने प्रॉपर्टी के क्वेश्चंस के बारे में सीखा था और आज का जो वीडियो है वो प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट थर्ड है। प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकंड आप देख चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने बहुत ही अचूक ट्रिकों के बारे में सीखा है। आज की जो ट्रिक है वो भी एक अचूक ट्रिक होगी और इससे भी क्वेश्चंस एग्जामों में कई बार पूछे जा चुके हैं। करिएगा और पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा और कमेंट्स भी करिएगा। चलिए चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चंस को। क्वेश्चन क्या है हमारा आज का? सबसे पहले हम लोग बेसिक मेथड सीखेंगे और बेसिक मेथड के बाद हम लोग उसकी ट्रिक के बारे में जानेंगे। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है कि एक घोड़े को 20,000 रुपये में बेचने पर 25% का लाभ होता है, यदि उसे 40% लाभ पर बेचा जाए तो घोड़ा कितने रुपए में बिकेगा? चार ऑप्शंस आपके सामने और ये क्वेश्चन जो है लास्ट यूपी पुलिस के एग्जामों में पूछा जा चुका है। तो चलिए जानते हैं कि क्वेश्चन को कैसे करना और इसकी ट्रिक क्या है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं इसका बेसिक मेथड। बेसिक मेथड क्या है बच्चों, देख लेते हैं। तो सबसे पहले बेसिक मेथड की अगर बात करते हैं तो देखिए क्वेश्चन में 20,000 रुपये जो दिया गया, ये बच्चों हम लोगों का विक्रय मूल्य है, क्योंकि जो भी चीज किसी वस्तु पर बेची जाती है उसको विक्रय मूल्य या हम लोग एसपी कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का एसपी बच्चों हम लोगों को 20,000 रुपये दिया गया है। साथ ही साथ बच्चों हम लोग देख लेते हैं, क्वेश्चन कहता है कि 25% के लाभ होता है। तो हमें सबसे पहले बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें सीपी निकालना पड़ेगा, क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा। जब तक क्वेश्चन का क्रय मूल्य नहीं पता होगा तब तक हम इस क्वेश्चन को बच्चों सॉल्व ही नहीं कर सकते। तो चलिए सबसे पहले क्रय मूल्य निकालते हैं। तो क्रय मूल्य के लिए देखो बोलता है कि 25% के लाभ पर बेचा जाता है। परसेंटेज की बात हो रही तो बच्चों हम लोग इसको मान सकते हैं कि इसका जो क्रय मूल्य था वो 100 रुपये था। ये हम लोगों ने माना है कि सीपी जो है वो क्रय मूल्य जो है वो 100 रुपये, और अगर 25% के लाभ पर बेचा गया तो बच्चों जो इसका विक्रय मूल्य बनेगा इस 25% के अकॉर्डिंग वो 125 रुपये बन जाएगा। आई होप आप इस चीज को समझ पा रहे होंगे कि अगर हमने 100 रुपये का इसका सीपी माना है तो इसका जो क्रय मूल्य 25% के लाभ पर बेचा जाता है, तो 100 का 100 में अगर हम इस 25% को जोड़ेंगे तो 125 रुपये में बेचा जाएगा और ये हमारा बच्चों बनेगा जो ये कहलाएगा हमारा विक्रय मूल्य। ये हमारा विक्रय मूल्य और क्वेश्चन का विक्रय मूल्य बच्चों कितना दिया गया है? 20,000। तो हम लोग लिख सकते हैं कि 125 रुपये जो कि हमारा है वो 20,000 रुपये के बराबर हो जाएगा कुछ इस तरीके से, ऐसे। और यहां से हम लोग 1 रुपये की वैल्यू को निकाल लेते हैं जो कि 20,000/125 रुपये हो जाएगा। इसको ऐसे काटेंगे बच्चों तो 160 रुपये निकल कर आएगा। तो एक की वैल्यू 160 बनती है, चूंकि हम लोगों का क्रय मूल्य कितना था 100 रुपये। तो यहां से अगर एक की वैल्यू 160 तो 100 की वैल्यू अगर बनाते हैं तो बच्चों 100 की वैल्यू जो बनेगी वो बन जाएगी कुल मिलाकर 16,000 रुपये। तो बच्चों क्वेश्चन का जो क्रय मूल्य था वो 16,000 रुपये था। तो बस अब करना क्या है, इस 16,000 का, चूंकि लास्ट में बोला गया है 40% लाभ पर बेचा जा रहा है, तो बस इस 16,000 का हम लोगों को 40% निकाल लेना है। तो जैसे 16,000 का हम लोग 40%, जिसको हम लोग 140/100 लिख सकते हैं क्योंकि लाभ पर बेचा जा रहा है, तो उसको हम लोग 140/100 लिखेंगे और इसको ऐसे काट पीट देंगे तो हमारे क्वेश्चन का आंसर 22,400 निकल कर आएगा, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। तो ये बच्चों इसका बेसिक मेथड था जिसके अकॉर्डिंग हम लोगों का आंसर जो बनता है वो ऑप्शन नंबर थर्ड बनता है। ये इस क्वेश्चन का बेसिक मेथड है। कैसे किया, सबसे पहले फिर से समझ लेते हैं। सबसे पहले हम लोगों को एसपी दिया गया था 20,000 रुपये, तो हमने सबसे पहले क्रय मूल्य को निकालने का सोचा क्योंकि क्रय मूल्य के आधार पर प्रॉफिट और लॉस दोनों चीजें होती हैं। तो इसके लिए हम लोगों को सबसे पहले क्रय मूल्य की आवश्यकता थी, तो हमने क्रय मूल्य मान लिया कि 100 रुपये था। अगर 25% के लाभ पर बेचा गया था तो उसके अकॉर्डिंग जो लाभ था हमारा वो 25% जुड़कर विक्रय मूल्य के रूप में 125 रुपये में कन्वर्ट होता है। इस 125 को बच्चों हम लोग 20,000 के बराबर कर लेते हैं, यहां से एक की वैल्यू बनाते हैं जो कि 160 रुपये निकल कर आता है, और हमने जो क्रय मूल्य माना था वो 100 रुपये माना था, तो उसके अकॉर्डिंग 100 रुपये बराबर हो जाता है हम लोगों का। अगर 1 = 160 तो 100 = 16,000 हो जाएगा। तो यहां से जो हमारा क्रय मूल्य जो था वो 16,000 रुपये था,
अब यहां से हम लोगों को बोला गया है कि यदि उसे 40% लाभ पर, जो कि 16,000 रुपए है, अगर उसे 40% के लाभ पर बेचा जाए तो घोड़े कितने रुपए में बिकेगा, तो उसको हमने उसका हम लोगों ने 140% निकाल लिया, सॉरी 40% निकाला, तो 140/100 हुआ जो कि 22,400 रुपए बनता है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर 3 था। तो यह था हम लोगों का इस क्वेश्चन का बेसिक मेथड। अब जानते हैं हम लोग इसकी ट्रिक के बारे में। तो अगर ट्रिक के बारे में बात करते हैं तो चलिए सबसे पहले हम लोग ट्रिक देख लेते हैं कि इस क्वेश्चन की ट्रिक क्या हो सकती है। बहुत ही सिंपल मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बेसिक मेथड तो बहुत ही लंबा होगा, इस क्वेश्चन को हम लोग अब ट्रिक से बात करते हैं। तो ट्रिक से कैसे करना है, तो चलिए जानते हैं इस क्वेश्चन की ट्रिक क्या बनती है। क्वेश्चन की ट्रिक बच्चों कुछ ये बनेगी, देखते हैं क्या। सबसे पहले क्या करना है हम लोगों को, ये 20,000 रुपए लिख लेने हैं इस तरीके से, 20,000 रुपए जो कि हमारा विक्रय मूल्य था, ध्यान देखिएगा। इसके बाद यहां पर हम लोगों को मल्टीप्लिकेशन का इस प्रकार से सिंबल लगाना है। अब हमें ध्यान रखना है कि यहां पर सबसे पहले हमें दूसरा वाला या तो प्रॉफिट या तो लॉस यहां पर हमें रखना है। अगर हम देखें तो ये हम लोगों का पहला है और ये हम लोगों का दूसरा है, तो जो दूसरा है उसको हमें पहले रखना है। तो दूसरा कितना है बच्चों, 40%, तो यहां पर हम लोग लिख देते हैं 140 इस तरीके से। आप समझ रहे होंगे, सबसे पहले हमने विक्रय मूल्य को लिखा है, इसके बाद हमने दूसरा वाला अगर प्रॉफिट है तो प्रॉफिट लिखेंगे, यदि लॉस है तो यहां पर हम लोगों को लॉस लिख देना है। इसके बाद यहां पर ऐसे बटे का सिंबल लगा देना है कुछ इस तरीके से, और नीचे हम लोगों को लिखना है फर्स्ट वाला, जो कि यहां पर ही प्रॉफिट दिया गया है, तो बस यहां पर 25% का लाभ है, तो यहां पर हम लोग बच्चों इस तरीके से 125 लिख देते हैं। फिर समझ लेते हैं क्या किया। सबसे पहले हम लोगों ने पहला वाला जो यहां पर विक्रय मूल्य दिया था वो लिख दिया, इसके बाद हम लोगों ने दूसरा वाला जो कि प्रॉफिट या लॉस है उसका मल्टीप्लिकेशन, और पहले वाले प्रॉफिट एंड लॉस का यहां पर डिवाइडेशन होगा। अगर प्रॉफिट है तो प्रॉफिट का डिवाइडेशन, लॉस है तो फिर लॉस का डिवाइडेशन। काटते हैं यहां पर 125 से, तो 125 पंचे जो होता है, सॉरी 25 × 5 125, तो 25 पंचे 125 हो जाएगा, और यहां से इसको काटेंगे इस प्रकार से तो 25 × 8 हो जाएगा बच्चों 200, यहां पर बचेंगे 00 इस तरीके से, और 25 से काटेंगे इसको तो बच्चों 160 रुपए आएगा, और 160 और 140 का जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वही मिलेगा जो अभी हम लोगों को मिला था, 22,400 रुपए। ये इस क्वेश्चन की ट्रिक है, बहुत ही सिंपल तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं एक लाइन में, और एक सेकंड का भी समय नहीं लगेगा। करना क्या है हम लोगों को, विक्रय मूल एसपी लिखना है इनटू दूसरा वाला प्रॉफिट या लॉस बटे पहला वाला प्रॉफिट एंड लॉस, और हम लोगों को उसको सॉल्व कर लेना और क्वेश्चन का आंसर आएगा। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। चलिए बढ़ते और क्वेश्चन नंबर एक दूसरे को भी करने की कोशिश करते हैं, जो कि इसी ट्रिक से क्वेश्चन नंबर दूसरा जो कि उसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, और ये आज हम लोगों का आज का लास्ट का क्वेश्चन होगा। हम लोगों को केवल ट्रिकों को समझना है और ट्रिक के अकॉर्डिंग हम लोगों को एक एक जो इसके पॉइंट्स हैं उनको क्लियर करते हुए आगे बढ़ना। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करना है। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि मोहन ने अपना प्लाट 2,00,000 रुपए में 20% घाटे पर बेचा। देखिए 20% के घाटे पर बेचा तो उसे कितने रुपए में बेचना चाहिए कि उसे 10% का लाभ हो। तो अभी हम लोगों ने सीखा है कि हमें सबसे पहले जो कि ये 2,00,000 रुपए में बेचा है तो ये हम लोगों का एसपी है, तो सबसे पहले हम लोग 2,00,000 रुपए लिख लेते हैं इस तरीके से। तो ये हमने लिखा 2,00,000 जो कि हमारा एसपी था इनटू करते हैं। अभी हम लोगों ने सीखा है कि हम लोगों को पहले लिखना है दूसरा वाला लॉस या फिर प्रॉफिट। दूसरा वाला लॉस या प्रॉफिट हमारा 10% का लाभ होता है, तो यहां पर हम लोग इसको 110 के रूप में ऐसे लिखते हैं। फिर बटे लगाते हैं बच्चों, और फिर बोला गया 20% का घाटा, घाटा मींस लॉस, तो यहां पर हम लोग 20 घटा देते हैं 100 में, तो यहां पर हम लोग ऐसे 80 लिख देते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। काट देते हैं, 0 से 0 चला जाता है, 4 से काट देते हैं इसको तो 4 × 2 = 8 होता है, और इसको काटते हैं तो 4 × 5 = 20 होता है, तो यहाँ बच जाते हैं हमारे पास 4 0। अब 2 से काट देते हैं इसको तो ये हो जाएगा 25 और फिर 3 0 इस तरीके से। तो यहाँ पर हम लोगों को इस समय मिल चुका है 25,000 80 से काटने पर। अब इस 25,000 को 11 से गुणा करा देना है, तो देखिए कैसे कराना है 25 का, तो लिख देते हैं 2 और 5 और जोड़ देते हैं तो 7 और पीछे लिख देते हैं बच्चों 3 0 इस तरीके। 27,500 जो कि हमारे इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर हम लोगों का फर्स्ट ऑप्शन है। तो कुछ इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग आसानी से कर सकते हैं। बस करना क्या है हम लोगों को, विक्रय मूल्य लिखना है इनटू दूसरा वाला प्रॉफिट या लॉस बटे पहला वाला प्रॉफिट या लॉस। इस तरीके से हम लोगों को इस प्रकार के क्वेश्चंस को करने हैं। लेकिन इस क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, अभी तक का जो ये क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे इसमें केवल 2 ही बार प्रॉफिट या लॉस हो रहा था, फर्स्ट टाइम
एंड सेकेंड टाइम। ऐसे भी क्वेश्चंस होते हैं जिसमें दो से ज्यादा बार घाटा या मुनाफा होता है, तो उस क्वेश्चंस को कैसे करना उसको हम लोग अगले वीडियो पर समझेंगे। वीडियो यदि पसंद आया हो तो बच्चों से लाइक करना मत भूलिएगा, साथ ही साथ वीडियो को शेयर भी करिएगा, और अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और साथ ही साथ अपने फेसबुक अकाउंट व्हाट्सएप अकाउंट पर इसे शेयर करिएगा जिससे कि अन्य लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो पर, तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।